मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने हैं। नहीं अब की बार तो मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर गुस्सा लग गया है, यहाँ पर शाओमी की टीम के ऊपर पता नहीं कौन से ज्यादा यहाँ पर खतरनाक नशा करने लगे हैं। ऐसे नशेड़ियों से बचाए रखे भगवान इन सारे जितने भी यूजर हैं शाओमी के, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रही है यहाँ पर शाओमी, क्या दिखाना क्या चाहती है शाओमी अपने आप को कि हम इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड है तो सॉफ्टवेयर में भी हम नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बन के दिखाएंगे। वो तो भूल जाओ शाओमी वालों तुम। तो वीडियो का आप लोग पूरा देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इधर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल को। पर दोस्तों देखिए यहाँ पर फिर कल या आज यहाँ पर 4 घंटे पहले ही शायद एक न्यू वीडियो को Xiaomi इंडिया के ऊपर अपलोड करा गया है। इसे लिखा फिर से MIUI इज बेटर देन अदर UI। आज से एक हफ्ते पहले भी शायद इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आप सभी को बताया था कि Xiaomi वालों ने एक नया यहाँ पर टीजर को अपने Xiaomi इंडिया के चैनल के ऊपर रिलीज कराया, जिसमें फिर उन्होंने बताया था कि हमारा MIUI बेटर अदर UI के मुकाबले। और आज फिर यहाँ पर 4-5 घंटे पहले एक न्यू वीडियो को रिलीज करा गया है Xiaomi की तरफ से, जिसके अंदर छोटा सा ये वीडियो है 20 सेकंड के आसपास का वीडियो, उसके अंदर उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जो हमारा UI है अदर UI के बेटर है और कम बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, क्या नाम है, ज्यादा बैटरी यहाँ पर खाती नहीं है और लेस बैटरी कंज्यूम करती है जो हमारा UI है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर Xiaomi चाहती क्या, ऐसा कर क्यों रही है, पता है इनकी टीम वालों ने कौन से यहाँ पर खतरनाक नशा कर लिया कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनका UI आज की डेट में सबसे बेकार UI है। अगर आप लोग जो Xiaomi इंडिया का चैनल खोलोगे ना YouTube के ऊपर, उसमें जो ये वीडियो अपलोड करा गया है, इस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स पढ़ोगे ना तो उसमें आधे ज्यादा जितने भी लोग हैं सारे यहाँ पर इस वीडियो के खिलाफ ही है। काफी यहाँ पर झंड करी गई है उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, Xiaomi इंडिया चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड है। काफी सारे लोगों ने यहाँ पर मैसेज किया है कि बहुत सारे ऐसे मैसेज करे गए, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, उसमें सबसे बोला भी गया है कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि अभी आज के जनरेशन में तो ये संभव नहीं है आज के टाइम के अंदर कि जो आपका UI है सबसे बेटर UI है यहाँ पर। आप कितने यहाँ पर छवि बना लो अपने यहाँ पर, जो आप कितना यहाँ पर एड लगा लो, चाहे कितना यहाँ पर आप प्रचार कर लो अपने UI को लेके कि हमारे UI सबसे बेटर है, होने नहीं वाला है ऐसा, पता नहीं कब तक होएगा। जब आप लोग ये नशा करना छोड़ दोगे ना, मेरे को लग रहा है जितने भी यहाँ पर दुनिया के अंदर जितने भी नशे वाली चीजें है ना, वो सारी एक साथ ही इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर जो Xiaomi की जो डेवलपर टीम है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, ये Xiaomi की पूरी टीम ही मान के चलिए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जो यहाँ पर दुनिया में जितनी भी नशीली चीजें हैं वो सारी चीजें एक साथ ही मिक्स करके यहाँ पर Xiaomi की टीम यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर रही है। नहीं मुझे तो यहाँ पर अब 100% यहाँ पर लगने लगा है कि Xiaomi की टीम जो है कुछ ज्यादा ही तगड़ा नशा करने लगी है, क्योंकि इतनी बड़ी गलती बार बार नहीं करी जाती है, एक बार चलो गलती होती है वो समझ में आ जाती है, एक बार इन्होंने वीडियो अपलोड करी थी चलो कोई बात नहीं, फिर यहाँ पर दूसरी बार 4 घंटे पहले एक नई वीडियो आज अपलोड करी गई Xiaomi वालों की तरफ से कि यहाँ पर जो उनका UI है वो सबसे बेटर है अदर UI के मुकाबले। दूसरे कंपनियों के UI के साथ यहाँ पर कंपेयर करते समय इनको मजा तो बहुत आ रहा है, पर ये नहीं देख रहे कि उनके UI के अंदर कितने कम बग्स देखने को मिल जाते हैं और कितना स्टेबल उनका अपडेट यहाँ पर चलता है, ये चीज इनको नहीं समझ में आ रही। इनको सिर्फ ये दिख रहा है कि हमारा UI बेस्ट है, तो इससे साफ साफ यही लग रहा है कि यहाँ पर Xiaomi की टीम ने बहुत तगड़ा नशा करना स्टार्ट कर दिया है इंडिया के अंदर, ये अपने UI को सबसे बेटर बताने लग गए हैं। एक बार जरा यहाँ पर ऑक्सीजन OS को उठा के देख लो, सैमसंग के वन UI को उठा के देख लो, ओप्पो या रियलमी का जो UI है कलर OS है, या वीवो का फ्रंट टच OS है, इनको उठा के देख लो, अपने से कंपेयर कर रहे ना किसका जो अपडेट है और किसका अपडेट यहाँ पर सबसे अच्छा देखने को मिल जाता है, टाइमली अपडेट कौन से डिवाइसेज के अंदर देखने को मिल जाते हैं और कौन से डिवाइसेज में इतने कम बग्स देखने को मिलते हैं कौन से UI के अंदर। एक तो तुम लोग इतना कम अपडेट देते हो, इतना लेट अपडेट देते हो, लेट अपडेट देने के बावजूद उसमें जो इतने सारे जो बग्स आप सभी को देखने को मिल जाते हैं, सॉरी यार थोड़ी हवा चल रही है तो बाल ज्यादा ही उड़ रहे हैं, पर इन सब चीजों पर ध्यान आ दीजिए, बातों के ऊपर एक बार ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो क्या कहूँगा मैं इस कंपनी के बारे में कि अपडेट की पॉलिसी इनकी सबसे बेकार है तो है ही, उसमें बग्स वगैरह देखने को मिलते हैं भर भर के, क्योंकि बग्स तो इसके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि Xiaomi को आप 5 महीना दे दो, 2 महीना दे दो, चाहे 1 महीना भी दे दोगे ना तो भी उतना ही बग्स देखने को मिलेंगे। ये Xiaomi की खासियत है, ये कितना ही मेहनत कर ले अपने UI के ऊपर पर ये सुधरने वाले नहीं है। इनको सिर्फ यहाँ पर अपने स्मार्टफोन को बेचना आता है, इनके MIUI के अंदर एड दिखाना आता है बस, और इनको कोई काम नहीं है, और लोगों को मूर्ख बना के यहाँ पर अपने स्मार्टफोन को बेचना आता है, और ऐसे ये इंडिया के नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बन चुके हैं। तो यहाँ पर अपडेट पॉलिसी इनकी बहुत बेकार है, मैं सबसे बता दे रहा हूँ। और जो ये जो बार बार जो ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना यहाँ पर Xiaomi वाले कि हमारे UI सबसे बेटर अदर UI के मुकाबले, तो थोड़ी शर्म कर लो, यहाँ पर आंखें खोल लो जरा, कंपेयर कर ही रहे हो ना, वीडियो में कंपेयर करने से कुछ नहीं होता, एक बार
अपने हाथ में अदर कंपनी के डिवाइस को उठा के जरा देख लो और उनका यूआई और अपने यूआई को मैच कर लो, किसमें ज्यादा आपको फीचर बेटर देखने को मिल जाते हैं और कौन कितना ज्यादा स्मूथ है। सबसे घटिया यूआई आज के इस डेट में, सबसे बेकार जो आज के टाइम में यूआई है वो मीयूआई का ही है। आप लोग बताओ आप लोगों को मीयूआई कैसा लगता है? पहले मीयूआई बहुत अच्छा चलता था, पर जो अभी जो कुछ टाइम से 2 साल से जो मीयूआई है ना काफी बेकार हो चुका है। यहाँ पर इंडिया में काफी सारे बग्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और एड्स देखने को मिलते हैं मीयूआई के अंदर, ब्लोटवेयर वगैरह देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से यहाँ पर पोको डिवाइसेस के अंदर तो और ज्यादा लोगों को झेलना पड़ रहा है कि पोको लॉन्चर के साथ यहाँ पर मीयूआई देखने को मिल जाता है, तो पोको के अंदर तो और भी ज्यादा बग्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताओ जरा यहाँ पर Xiaomi कौन सा नशा करने लगी है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो दुनिया में जितनी भी नशीली चीजें मिलती है सारों को मिक्स करके यहाँ पर जो Xiaomi की टीम है वो करने लगी है, जिसके कारण यहाँ पर जो है ना इनके पास काम ना धंधा बचा और यहाँ पर अब अपडेट्स के ऊपर इनको कोई ध्यान नहीं है। देखते हैं फ्यूचर में कितना ज्यादा अपग्रेड करते हैं, बाकी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज की वीडियो तो बस इतना ही था, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और यहाँ पर एक काम करिए, मैंने ट्विटर के ऊपर यहाँ पर ट्वीट कर दिया Xiaomi वालों के पास कि जरा तुम सुधर जाओ, ये जो नशीली चीजें तुम यूज कर रहे हो ना और अपने यूआई को सबसे बेटर बता रहे हो इसको बताना बंद कर दो। आप लोग उसको रीट्वीट करते जाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही था, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको रीट्वीट करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।